अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डेरिवेटिव का एक और रूल करने जा रहे हैं जो कि है क्वेश्चन रूल। अब क्वेश्चन रूल में हमारे पास क्या होता है कि अगर कोई भी दो फंक्शंस हमारे पास इस तरह डिवाइड फॉर्म में हो, एक न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में है, और मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है, तो अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस पे? तो इस पे बेसिकली जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो फर्स्ट रूल प्रिंसिपल से ड्राइव होके हमारे पास आया है, कि आपके पास जो डिनोमिनेटर का फंक्शन है यानी कि जो जी ऑफ एक्स है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जी ऑफ एक्स, लेकिन इसका स्क्वायर करके आएगा, राइट? इसका स्क्वायर कर देंगे और फिर यहाँ पे न्यूमिनेटर में पहले जी ऑफ एक्स एज इट इज आएगा, फिर फंक्शन एफ का डेरिवेटिव आएगा, यानी कि जो न्यूमिनेटर का फंक्शन है इसका डेरिवेटिव आएगा, बीच में आएगा माइनस का साइन, फिर जो न्यूमिनेटर में फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो एज इट इज आएगा, और जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका आ जाएगा डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास क्वेश्चन रूल है। क्वेश्चन रूल इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये डिवीजन फॉर्म में है। अगर दो फंक्शंस आपके डिवीजन फॉर्म में हो तो इस पे ये रूल अप्लाई करके हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, यानी कि जो डिनोमिनेटर का जो फंक्शन है उसका स्क्वायर यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे सिंगल जी ऑफ एक्स एज इट इज आएगा, न्यूमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, बीच में माइनस का साइन, न्यूमरेटर वाला फंक्शन एज इट इज और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे। अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि है 3.3, और 3.3 का हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और 6 का हम पार्ट कर रहे हैं 1। इसमें फंक्शन गिवन है एच ऑफ एक्स, और इसकी इसका नोमिनेटर में है 3x+4 और इसके डिनोमिनेटर में है 2x-3, राइट? वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वेश्चन। अब किस तरह से हम करेंगे कि न्यूमिनेटर वाला फंक्शन इसका एफ ऑफ एक्स होता है और डिनोमिनेटर वाला फंक्शन इसका जी ऑफ एक्स होता है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ तो सिंपल मैं क्या लिख सकती हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x+4 और जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x-3, राइट? अब इसका डेरिवेटिव भी ले लेते हैं यहीं पे। उसका डेरिवेटिव हो जाएगा मेरे पास सिर्फ 3x का डेरिवेटिव होगा 3, 4 का डेरिवेटिव 0, यहाँ से g डैश ऑफ x ले लेते हैं, यहाँ से 2x का डेरिवेटिव 2 और -3 का डेरिवेटिव 0। अब हम इस पे इंप्लीमेंट करते हैं, यानी कि अब मेरे पास h डैश x हो जाएगा ये, और ये किसके इक्वल है? जी ऑफ एक्स एज इट इज, यानी कि जी ऑफ एक्स क्या है हमारे क्वेश्चन में? 2x-3। साथ में एफ का डेरिवेटिव, एफ का डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे? 3 माइनस का साइन, एफ ऑफ एक्स एज इट इज, एफ ऑफ एक्स क्या है? 3x+4, तो 3x+4 यहाँ पे लिखा, फिर जी का डेरिवेटिव जो कि है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पे रीराइट कीजिएगा, और ये किससे डिवाइड होगा? ये जी एक्स के स्क्वायर से, यानी कि जी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास? 2x-3 और इसको स्क्वायर लगा देते हैं यहाँ पे, राइट? अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एच डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 2 6x-3 3 9, और यहाँ पे क्या आएगा? -3 2 6x-4 2 8, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास? 2x-3 का होल स्क्वायर। अब ये भी 6x है, ये भी 6x है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। -9-18 इज -17, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 2x-3 का होल स्क्वायर। दिस इज द डेरिवेटिव एंड दीज आर द स्टेप कि आपको क्वेश्चन रूल किस तरह से अप्लाई करना है। अगर आपके पास दो फंक्शन हो और फ्रैक्शन फॉर्म में हो यानी कि डिवीजन फॉर्म में हो, तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, ये रूल आपको अप्लाई करना है, जिसमें डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि जी ऑफ एक्स का स्क्वायर है यहाँ पे, यहाँ पे जी ऑफ एक्स का फंक्शन एज इट इज है, एफ का डेरिवेटिव माइनस एफ का फंक्शन एज इट इज है, और फिर ये जी का डेरिवेटिव है। तो ये स्टेप फॉलो करते हुए आपको यहाँ पे क्वेश्चन टूल अप्लाई करना है। इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम इसी एक्सरसाइज का, और वो क्वेश्चन है हमारे पास इसी का क्वेश्चन नंबर 2,
एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन, राइट। अब अगेन हमें क्या करना है कि जो न्यूमरेटर का फंक्शन है ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स होता है और डिनोमिनेटर का फंक्शन हमारे पास जी ऑफ एक्स होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम सॉल्व करते हुए कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वन और जी ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वन। इन दोनों का डेरिवेटिव भी यहीं पे ले लेते हैं ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। यह आ जाएगा 2x-1 का डेरिवेटिव 0 होता है और यहाँ पे भी मेरे पास आ जाएगा 2x क्योंकि प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। अब यहाँ पे मुझे फॉर्मूला लिखना है और फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपके पास दो फंक्शन का डेरिवेटिव आप लगाने जा रहे हैं और वो डिवाइड फॉर्म में है इस तरह से, तो वो किसके इक्वल है? अभी हमने देखा था वो इक्वल है जी ऑफ एक्स का स्क्वायर इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ पे जी ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन ऑफ एज इट इज और यहाँ पे जी डैश ऑफ एक्स, राइट। यही फॉर्मूला था जो अभी हमने इससे पहले देखा था, ये वाला फॉर्मूला, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हमने यहाँ पे दोबारा लिख लिया। अब हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं और इम्प्लीमेंट करेंगे जो हमें फंक्शन गिवन है उस पे। तो ये मेरे पास हो जाएगा एच डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x, तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे 2x, सॉरी ये इसके डेरिवेटिव की वैल्यू है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो हमने लिख दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन। एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x, तो ये रहा 2x। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वन और जी डैश ऑफ एक्स हमारे पास है 2x और ये कंप्लीटली डिवाइड होगा किसके साथ? जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस वन और इसका स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई किस तरह से करना है? इसके ब्रैकेट्स को ओपन करके हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे एच डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x जब मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर के साथ तो ये आ जाएगा 2x की पावर 3 प्लस 2x और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x की पावर 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x। ये ब्रैकेट हमने इसके ओपन कर दिए, सिंप्लीफाई कर दिया और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर एज इट इज, ये प्लस का है ये माइनस का कैंसिल आउट हुआ। न्यूमरेटर में क्या बचा? 2x+2x इज 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन और यहाँ पे हमें ये पता चला कि क्वेश्चन टूल किस तरह से अप्लाई किया जाता है। अगर हमारे पास दो फंक्शन फ्रैक्शन फॉर्म में हो यानी कि डिवीजन फॉर्म में हो तो उस पे हमने क्वेश्चन टूल किस तरह से अप्लाई करना है। और क्वेश्चन टूल बेसिकली है क्या? ये वाला फॉर्मूला हमारा क्वेश्चन टूल का फॉर्मूला है जिसके डिनोमिनेटर में जी ऑफ एक्स का स्क्वायर है, न्यूमिनेटर में जी ऑफ एक्स एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि जो न्यूमिनेटर का फंक्शन है उसका डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर का फंक्शन एज इट इज और डिनोमिनेटर के फंक्शन का डेरिवेटिव। तो दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। होपफुली आपको क्वेश्चन टूल समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी इशू है तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।